हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उक्त कार्यक्रम को लेकर न्यायधानी में भी बीजेपी खेमे में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां मधुबन स्थित भाजपा नेता बंधु मौर्य के घर पर बिलासपुर सांसद अरुण साव की अगुवाई में मन की बात को सुना गया, जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सांसद अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर भाग की तरह यह भाग भी काफी ज्ञानवर्धक रहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती है, जिसे सहेजने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बार के योग दिवस से जुड़ने का आग्रह किया और कहा कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने यह दावे के साथ कहा कि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 102वीं भाग हम सब ने सुनी। हर भाग की तरह आज का भाग भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी रहा। किस प्रकार से हमें जल संरक्षण करना चाहिए, जल संरक्षण कितना आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है, ये प्रेरणा मिली। उसी के साथ टीबी के रोकथाम के लिए जो देश भर में लोग जो योगदान कर रहे हैं, हमें भी टीबी के रोकथाम के लिए जन जागरण और टीबी के मरीजों को मदद करने का काम करना चाहिए। 21 जून विश्व योगा दिवस है। योगा को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसे प्रेरणादायी बात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की हम सब ने सुनी। निश्चित रूप से हर भाग की तरह यह भाग भी प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा।